नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे जा रहा है आपके दिन? पितृपक्ष स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज की कहानी एक मदर की है जिन्होंने अपने बेटे को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। वो बेटा, ये 2009 की कहानी है कि 2009 में मदर्स डे था और बेटा अपने घर की तरफ ही आ रहा था, तो उसने एक वॉइस मैसेज अपनी मदर को छोड़ा फ़ोन में, जो कि कह रहा था कि हैप्पी मदर्स डे मम्मी, और मैं रास्ते में हूँ, और अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो समझ जाना कि मैं अपनी बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, मैं अभी उठा नहीं सकता, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। और काफ़ी लंबा मैसेज था, खैर जो उन्होंने बताया, बट उसके बाद अचानक से ये एक्सीडेंट हुआ नोएडा हाईवे पे और वो चले गए। तो जब बेटे चले गए तो उनकी जो मदर है और बड़ी परेशान रही, और इतनी परेशान जबकि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइप की लेडी हैं, और उनको पसंद नहीं कि मतलब कोई उनके टीयर्स देखे या किसी के सामने रोना धोना उनको भी कोई अच्छा नहीं। पर वो बार बार यही मैसेज सुन रही थी कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हैप्पी मदर्स डे, आई मिस यू, आई लव यू, ये वो, और हर वक्त वही चलाती रहती थी। तो एक दफ़ा वो उनको एक ऐसा दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस रिकॉर्डिंग को हमेशा अपने फ़ोन से निकाल कर, जैसे जो टेडी बियर वगैरह, क्योंकि उनका जो छोटा बेटा था वो टेडी बियर को प्रेस करता था तो आवाज़ निकलती थी, तो वो चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पास भी एक ऐसा टेडी बियर की तरह हो कि मैं जब भी उसको प्रेस करूँ और मैं अपने बेटे की आवाज़ को सुन सकूँ। तो खैर, जो उनके दूसरे बेटे थे उन्होंने उनकी मदद करी, उनको अपने साथ ले गए कि भाई ऐसा ऐसा ही मेरे भाई की आवाज़ है इसमें, और काफ़ी लंबा मैसेज था। तो वो कहते कि जी हम ये लंबा, इतना लंबा मैसेज रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, हम आपको टेडी बियर बना के भी दे देंगे पर ये रिकॉर्डिंग बहुत लंबी है, तो इसमें से कुछ पार्ट हम मतलब अपने आप से आ जाएगा इसमें और कुछ नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जितना आता है उतना डाल दो ताकि ये मेरे पास रहे और मैं इसको जब चाहूँ हग कर सकूँ अपना बेटा समझ के टेडी बियर को, और ये रिकॉर्डिंग जो है मैं सुन सकूँ। खैर, उनके आंखों में आंसू आ रहे थे ये बताते हुए भी, वो उनको रिकॉर्डिंग रूम में ले गए। रिकॉर्डिंग रूम में सारा मैसेज जबकि उन्होंने लिया, तो अब मशीन में से कितना मैसेज, कौन सा मैसेज उसके अंदर गया, उन्होंने कहा कि आप चेक कर लो, सुन लो कि क्या है। तो आंटी ने कहा कि भाई अभी मेरी हिम्मत नहीं है ये सुनने की, तो मैं ये घर ले जा रही हूँ, घर में जाके सुन लूँगी। तो वो घर बैठी, वो मतलब अपने कार में बैठी ड्राइव करने के लिए, उन्होंने वो टेडी बियर खोला और अपने मोबाइल पे मैसेज सुना, दोबारा सुना, और फिर रोने लग गई। फिर वो अपने आप को चुप करा रही थी कि भाई अब यहाँ से निकलते हैं, तो बाय एक्सीडेंटली उनका हाथ जो है वो टेडी बियर के पाँव के ऊपर जाके लगा। तो जब उन्होंने उसको प्रेस किया तो उनको अपने बेटे की आवाज़ आई कि हैव अ गुड डे मम्मी, आई लव यू एंड आई मिस यू। तो हैरान रह गई कि ये हैव अ गुड डे नहीं था, ये तो हैव अ मदर्स, हैव अ गुड, हैप्पी मदर्स डे था, तो ये हैप्पी मदर्स डे हैव अ गुड डे कैसे बन गया। और वो समझी कि भाई आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जब उन्होंने रिकॉर्डिंग उसमें ट्रांसफ़र की होगी, पर ये इतना ज़्यादा अलग हो गया कि मतलब आवाज़ उस उनके बेटे की और मैसेज उनके बेटे का, लेकिन हैप्पी मदर्स डे नहीं था, वो था हैव अ गुड डे एंड आई लव यू एंड आई मिस यू। और जब ये वो सुन रही थी तब उनका काफ़ी रोना छूट गया, क्योंकि वो सोची कि भाई ये डिवाइनली गाइडेड मैसेज अपने आप से कैसे चेंज हो गया, हैप्पी मदर्स डे का हैव अ गुड डे कैसे बन गया। खैर, वो टेडी बियर आज भी उनके पास है, आज भी वो उसको प्रेस करके उनका जो लास्ट रिकॉर्डिंग था वो अभी भी सुनती हैं, मोबाइल पे भी उनके पास वो अभी तक सेव्ड है उनकी रिकॉर्डिंग, और वो सुनती हैं।
ये भी एक तरीका है हमारे पूर्वजों का हम तक मैसेज पहुंचाने का, उनकी आवाज लेकिन अल्फाज कुछ और है ना। अजीब कहानी। तो हैव अ गुड डे, आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए शांति कीजिए, शांति प्रार्थना कीजिए, हम भी करते हैं। और ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आशा करते हैं ये कहानी आपको या आपके किसी अपने की मदद करे जो उसे दुख में। हाँ।